चैनल। सो इस सेल स्पेशल वीक की पहली रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टीम्ड वेजिटेबल्स विद सम सीजनिंग। ये स्टीम्ड वेजिटेबल्स उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट और हेल्दी ऑप्शन है जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से। और हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हेल्दी फूड हम हमारी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। सो इस रेसिपी को शेयर करने के बाद मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में स्टीम वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स भी शेयर करूँगी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स में ली है गाजर, फ्रेंच बीन्स, कैबेज, मशरूम्स, स्पिनच और कॉलीफ्लावर। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप इसमें बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे कोई भी ऐसा बर्तन ले लें और उसमें डेढ़ ग्लास पानी बॉयल कर लें। और आप बर्तन वहीं ले जिसके ऊपर आप ऐसे छन्नी को फिट कर सकें, आप प्लास्टिक की छन्नी बिल्कुल ना यूज़ करें यहाँ पे। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से वेजिटेबल्स को स्टीम कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स रख दें और हम यहाँ पे वेजिटेबल्स को कवर नहीं करेंगे। कवर ना करने से इनका कलर रिटेन रहेगा, मतलब कि एज इट इज़ रहेगा। सो आप इन वेजिटेबल्स को स्पून की हेल्प से ऐसे हिलाते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से स्टीम हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। हम इन्हें मशी या बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इन्हें खड़ा खड़ा रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी रहे और अपनी शेप में भी रहे। सो यहाँ पे जो है मेरी वेजिटेबल स्टीम हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, बट ये एज इट इज़ ही हैं अपने टेक्सचर में भी और कलर में भी, आप देख सकते हैं। सो सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे आप चेक कर लें कि वो अच्छे से स्टीम हुई हैं या नहीं। और ये सारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं यहाँ पे स्टीम। अब आप फ्लेम को बंद कर दें और ये जो हमने छन्नी ली है इसको अब आप निकाल लें आपके बर्तन में से और इन वेजिटेबल्स को आप एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर दें। उसके ऊपर आप डाल दें ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च पाउडर। सीजनिंग में आप कोई भी हर्ब्स या कोई भी मसाले ले सकते हैं अपनी पसंद के। काली मिर्च डालने के बाद अब आप इसके ऊपर से डाल दें सॉल्ट टू टेस्ट, नमक आपके स्वाद के अनुसार। और फिर आप इसके ऊपर से डाल दें ये पनीर या कॉटेज चीज़ जिसे मैंने ऐसे सिंपली मैश कर लिया है अपने हाथों से। और उसके ऊपर से आप डाल दें नींबू का रस, इससे बहुत ही टैंगी फ्लेवर आएगा और वेजिटेबल्स और ज़्यादा टेस्टी लगेंगी खाने में। फिर इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, इनसे एक बहुत अच्छा क्रंच आएगा आपकी स्टीम्ड वेजिटेबल्स में। और अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और हमारी यहाँ पे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्टीम्ड वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। तो ये थी हमारी रेसिपी। अब हम बात करेंगे स्टीम्ड वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। वेजिटेबल्स को स्टीम करने से उनके बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ये सब रिटेन रहते हैं, मतलब कि वो बरकरार रहते हैं हमारी वेजिटेबल्स में। और इन्हें स्टीम करने से वेजिटेबल्स का जो कलर है, उनका फ्लेवर है, उनका टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें भी प्रिजर्व्ड रहती हैं, मतलब एज इट इज़ रहती हैं वेजिटेबल्स की। और अगर हम स्टीम्ड वेजिटेबल्स को कुक्ड वेजिटेबल्स के साथ कंपेयर करें तो वेजिटेबल्स को कुक करने से उनके जो विटामिन्स हैं वो 22-32% डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कि वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम स्टीम्ड वेजिटेबल्स में कैलोरीज और फैट की बात करें तो एक कप स्टीम्ड वेजिटेबल्स में 25% कैलोरीज, 5 ग्राम कार्ब्स और 0 फैट होता है। और अगर आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, जैसे कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर किया है, तो उससे आपकी स्टीम्ड वेजिटेबल्स और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स स्टीम्ड वेजिटेबल्स के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं।
अगर आप अपना वेट रिड्यूस नहीं भी करना चाहते बट कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, आप इन वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तब भी आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नई इस हेल्थ स्पेशल वीक की सेकेंड रेसिपी के साथ। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।